अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फान चौधरी स्टॉक। मैं हूं इरफान चौधरी। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर ड्रीम। सिंपल सी बात है, कोई दूसरा आप पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। ये आपकी अपनी जिंदगी, आपके अपने ख्वाब हैं, आपने खुद सरवाइव करने हैं, आपने अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक गुजारना है। लेकिन गुजारना कैसे कि किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, किसी दूसरे की गिबत ना कर रहे हो। बड़ी एक सिंपल सी बात है, हम कह रहे होते हैं कि ये जो बात मैं उसके पीछे कर रहा हूँ, मैं उसके मुंह पे भी कर सकता हूँ, उसकी ऐसी की टैसी मैं उसके मुंह पे कह दूंगा, उन्हीं की जरूरत है मेरे सामने कुछ कहे। क्या बात हुई, हम फिर इंसान किस चीज़ के हुए, हमारे अंदर इंसानियत कहाँ गई, या हम एक डिफरेंट रिप्रेजेंट अपने आप को कैसे कर रहे हैं। गुस्सा तो हर कोई कर सकता है, किसी के भी मुँह पे जाके हर कोई बात कर सकता है। सिंपल सी बात है, किसी पे भी जो गंद होता है हर कोई उछाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप यूनिक कहाँ से हुए, फिर आप कहाँ से चेंज हुए, फिर आप अच्छे कहाँ से हुए, फिर वो मुसलमान में और हिंदू में, या मुसलमान काफिर में कहाँ फ़र्क आ गया, या एक अच्छे मोमिन में मुसलमान में कहाँ फ़र्क आया। फिर सिंपल सी बात है, सोचने की चीज़ है ना। मोहम्मद बख्श साहब ऐसे नहीं फिर कहते, बाप मरे ता सिर खाली, भरा मरे ता कंड खाली, मामा बाद मोहम्मद बख्शा कौन करे घर की रखवाली। सिंपल सी बात है, देखिए वालदेन के साथ कितना मस्त मजबूरी है हमारी वालदेन के साथ अच्छा सलूक करना। मजबूरी कह लें, फ़र्ज कह लें, हकूक कह लें, या ये करना ही करना है, जो मर्जी कह लें करना पड़ेगा। क्योंकि जो उनका हमारे साथ रिश्ता है ना, वो प्योर रिश्ता वो है, मुखलिस वो है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा कहीं एक जगह पे पहुंच जाए, वो चाह रहे होते हैं, सिर्फ वो चाह रहे होते हैं मेरा पुत्र मैं ना आगे निकले, और कोई नहीं चाह रहा होता। आपका बॉस नहीं चाहेगा कि ये मेरा आगे बॉस ऊपर बन जाए, कहेगा भाई ये निकले ये नीचे ही रहे। अब उसके अब थोड़ा सा तेज बोलेंगे, कहेगा चल शाबाश खाली हो, कल तो कोई और नौकरी ला। सिंपल सी बात, लेकिन वालदेन ये नहीं चाहेगा, वो अपनी सीट खाली करके कहेगा यहाँ पे आके बैठो, उससे ऊपर जाके बैठो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, आपके घर में अच्छे ताल्लुकात हों, आपके बाहर अच्छे ताल्लुकात हों। कौन चाहेगा, सिर्फ वालिद मोहतरम। या वालिद मोहतरम की बात समझो आप, सही है ना। इसी वजह से ना ये देखिए, ये अखलाक होते हैं जिस इंसान के अंदर, अखलाक है ना वही आगे जाता है, वही कुछ ना कुछ पाता है, वही कुछ ना कुछ कर सकता है। जिसके अंदर अखलाक नहीं है, बात करने का जिसे मैनर नहीं है सिंपल, कुछ नहीं पा सकता वो। हत्ता के अपने अच्छे अच्छे दोस्त गवा देगा वो, अपने अच्छे अच्छे प्यारे रिश्तेदार गवा देगा, ठीक है ना। और वो वालदेन के आगे जब हमें कहा गया हमारे दीन इस्लाम है कुछ तक नहीं कहना, वालदेन को पता नहीं क्या क्या कह जाएगा, बड़े भाइयों को पता नहीं क्या क्या कह जाएगा, इसके उसमें इंसानियत ही नहीं रहेगी।